एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल. आई एम दिव्या और आज मैं रिव्यू करूँगी शार्लेट टिलबरी का फ्लॉलेस फिल्टर, जो कि ऐसे आता है. दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट बेस प्रोडक्ट्स और इसलिए मैं आज इनको रिव्यू करने जा रही हूँ. ये मेरे पास जो बॉटल है ये एक्चुअली छोटी बॉटल है, ये मिनी वर्जन है जो कि नायका पे अवेलेबल है. इसकी एक बड़ी बॉटल भी आती है, मेरे पास ये छोटा वर्जन है. दिस रिटेल्स फॉर 1500 रुपीज़. 4-5 शेड्स में आता है, मेरे पास इसके 2 शेड्स हैं. तो सबसे पहले पैकेजिंग की बात करते हैं. ये ऐसी छोटी सी प्लास्टिक बॉटल में आता है. जो इसकी बड़ी बॉटल आती है वो ग्लास की होती है, लेकिन ये जो छोटी वाली है ये प्लास्टिक की बॉटल है. और इसका जो एप्लीकेटर होता है वो इस टाइप का है, थोड़ा स्पैचुलर टाइप का जो होता है, ऐसा चपटा सा, ऐसा स्पैचुलर टाइप का इसका एप्लीकेटर होता है. शेड्स एज आई मैंशन, जो बड़ी वाली बॉटल आती है उसमें ज़्यादा शेड अवेलेबल हैं. मिनी वर्जन में 4-5 शेड्स ही आपको नायका पे अवेलेबल होंगे. मेरे पास जो शेड है वो है 2 फेयर एंड 4.5 मीडियम. तो मेरे पास ये दोनों शेड्स हैं. अगर मैं कहूँ कि मेरा एग्जैक्ट मैच क्या है तो वो इन दोनों के बीच का शेड होगा, लेकिन मुझे ऐसा कोई शेड छोटे वर्जन में नहीं मिला था. तो मेरा एग्जैक्ट मैच वैसे इन दोनों का बीच का मिक्सचर होगा, बट फिर भी अगर मुझे इन दोनों में से एक लगाना पड़ता है तो मैं 2 फेयर को यूज़ करती हूँ. इसमें आपको 5.5 ml ऑफ प्रोडक्ट मिलता है एंड दिस इज़ मेड इन इटली. अब देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशन एंड देन वील टॉक अबाउट द फॉर्मूला. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मूला. तो मुझे ये प्रोडक्ट इसलिए इतना ज़्यादा पसंद है क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्रोडक्ट है एंड इट डेफिनेटली आई वुड से कि दिस इज़ वर्थ द हाइप. ऐसा प्रोडक्ट आपको सस्ते ब्रांड्स में नहीं मिलेगा. दिस इज़ अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट. आई नो एल्फ का एक प्रोडक्ट आता है जो इसका ड्यूप लुक कहते हैं, मैंने वो यूज़ नहीं किया सो आई कांट कॉमेंट, बट अदर देन दैट एल्फ के अलावा और किसी भी ब्रांड में आपको इस टाइप का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. This I would say is a combination of a primer, foundation and a highlighter. And मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ. Primer मैं इसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे कई लोग अपने फेस को ग्लोई बनाने के लिए, ग्लोई फेस, एक ग्लोई बेस देने के लिए मॉइस्चराइज कर लेते हैं, आप अपनी स्किन को एक ग्लोई या फिर मॉइस्चराइजिंग प्राइमर लगाते हैं, तो ये उसी टाइप का काम करता है. ये थोड़ा सा आपको मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है, ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग नहीं है. अगर आपको अल्ट्रा मॉइस्चराइजेशन चाहिए तो आपको मॉइस्चराइजर वगैरह कुछ लगाना ही पड़ेगा, पर थोड़ा बहुत मॉइस्चर ये आपको आपके फेस को दे देता है. देन सेकेंडली मैं फाउंडेशन इसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें टिंट भी है एंड विच इज़ द बेस्ट पार्ट आई टेल यू. इसमें बहुत सारी शेड्स आपको अवेलेबल हैं जो आपकी स्किन टोन से मैच करते हैं. नाउ दिस प्रोडक्ट इज़ सिमिलर टू मैक की स्ट्रोक क्रीम, लेकिन ना मैक की स्ट्रोक क्रीम फिर भी मुझे उतनी ज़्यादा इसलिए पसंद नहीं आती है एंड मुझे ओवर हाइप इसलिए लगती है क्योंकि उसमें ना कोई भी टेंट नहीं होता है और वो बस हल्का सा ग्लो ही आपके फेस को प्रोवाइड करती है, जो कि आपको मॉइस्चराइजर से भी मिल सकता है. बट इसमें ग्लो भी है एंड उसके साथ साथ इसमें टिंट भी है, तो आप अपना फाउंडेशन भी स्किप कर सकते हो. इन केस आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है आपके फेस पे या फिर आपको एक मिनिमल लुक चाहिए तो आप फाउंडेशन स्किप कर सकते हो, जैसे मैंने आज किया है. मैंने आज अपने फेस पे सिर्फ यही लगाया हुआ है एंड मैंने कोई भी फाउंडेशन नहीं लगाया है. कंसीलर मैंने अप्लाई किया है, उसके ऊपर फिर मैंने प्रोडक्ट्स लगाए हैं. जैसे मैंने हल्का सा यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर दिया, देन पूरे फेस पे मैंने इसी को अप्लाई किया है, देन अपनी आईब्राउज एंड ब्लश एंड लिपस्टिक कर ली, बट मैंने अपने फेस पे कोई भी कंसीलिंग नहीं की थी उसके अलावा और कोई फाउंडेशन भी अप्लाई नहीं किया है. एंड एज यू कैन सी कि मेरा फेस कितना अच्छे से ग्लो कर रहा है और आप देखोगे कि मेरे फेस पे हल्की सी कवरेज भी है. जैसे आप मेरे फोरहेड को देखोगे, मेरे चीक्स को देखोगे तो आपको कवरेज दिख रही है. दिस इज़ नॉट माई बेयर स्किन, तो आपको हल्की सी कवरेज देता है विच आई really really like. And why I'm saying कि this also works as a highlighter is because ये आपको हल्का सा एक glow दे देता है without
हैविंग दोज चंकी पार्टिकल्स इन इट. द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसमें ना कोई चंकी पार्टिकल्स भी नहीं है. कई बार क्या होते हैं जो सस्ते वाले ब्रांड्स में हाइलाइटर्स आते थे ना, लिक्विड हाइलाइटर्स, जो जैसे बेसिकली आप देखोगे कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो कहते तो हैं कि हम स्ट्रोक क्रीम है, ये है वो है, बट अल्टीमेटली बस लिक्विड हाइलाइटर्स होते हैं जिनमें चंकी पार्टिकल्स होते हैं और बहुत ही वो ऐसे मेटालिक से दिखते हैं फेस पे. दिस इज़ नॉट लाइक दैट. इसमें आप एकदम ध्यान से भी देखोगे ना, यू वुडेंट बी एबल टू फाइंड दोज चंकी ग्लिटर पार्टिकल्स इन दिस. एंड दिस इज़ अ वेरी यूनिक पॉइंट अबाउट दिस प्रोडक्ट. मैकी स्ट्रोक क्रीम में भी वैसे आपको चंकी पार्टिकल्स नहीं मिलते हैं, सिमिलरली इसमें भी आपको चंकी पार्टिकल्स नहीं मिलते हैं. लास्टिंग पावर आई वुड से, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, बट स्टिल आई वुड से मिनिमल मेकअप के अकॉर्डिंग भी ये ठीक ठाक आपकी स्किन को लास्ट करता है. एंड बिकॉज दिस इज़ नॉट अ फाउंडेशन, तो ये वैसा क्रैक नहीं होता है टाइम के साथ, ये ब्रेकअप आउट नहीं होता, सेपरेट नहीं होता, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ फाउंडेशन. तो आप इसे लगा के एकदम भूल सकते हो कि आपने कोई मेकअप भी लगाया हुआ है. शेड्स की बात करें, अगर आप मेबलिन 120 हो देन शेड 2 विल बी अ रियली गुड मैच. और अगर आप 128 हो तो मैं जैसे लाइक आई एम समवेयर अराउंड मेबलिन 128, तो आपको ये शेड 2 जो है ना थोड़ा सा लाइट दिखेगा, बट दिस विल स्टिल वर्क, क्योंकि इसमें ना शेड अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होता है तो भी चलता है, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी लाइट कवरेज, बहुत ज़्यादा कवरेज इसमें नहीं है. एंड देन शेड 4.5 मीडियम जो मेरे पास है ना, मैं अपने फेस पे उसे अगर लगा लेती हूँ, सिर्फ वही शेड लगाती हूँ, तो मेरे फेस को हल्का सा एक टैन और हल्का सा एक ब्रॉन्जी इफेक्ट मिल जाता है. ऐसे लगता है कि थोड़ा ही ना मैंने ऐसे फेक टैन लगाया हुआ है या फिर थोड़ा ब्रॉन्ज्ड है मेरा फेस, वैसे वाला लुक आता है, बिकॉज इट इज़ अ लिटिल बिट डार्क फॉर माई स्किन टोन. तो आई वुड से कि अगर आप मेबलिन 228 230 के अराउंड हो, देन आप शेड 4.5 यूज़ कर सकते हो. इफ़ यू आर अराउंड 128 या उसे थोड़ा सा ऊपर 130 एंड ऑल ऑफ दैट, शेड 2 आपके लिए काम कर जाएगा. सो दैट वॉज प्रीटी मच इट फ्रॉम माई साइड. एंड मैंने तो जैसे मैंशन किया ही है कि ये तो वन ऑफ माई फेवरेट बेस प्रोडक्ट्स हैं, एंड जब से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है तो मैंने फाउंडेशन लगाना तो स्किप कर ही दिया, बहुत ही कम मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ. So I would like to give this product a 5/5. I haven't been impressed with any other foundation sort of a product like I have been with this one. तो अगर आपका budget है, आप आँख बंद करके ये product ले सकते हो. If you like doing minimal makeup like I do, if you are a full face of makeup kind of a girl, then I think आप skip कर सकते हो. Like honestly, मैं आपको एक honest opinion दे रही हूँ, अगर आपको बहुत भारी भरकम makeup use करना पसंद है, बहुत heavy coverage foundations आप लगाना prefer करते हो, तो फिर आप इसको ना skip भी कर सकते हो, because फिर इसका वो purpose मुझे लगता है defeat हो जाता है. But if you really are into that minimal makeup look, then you must get this product if this fits your pocket. So I hope you like this video. I hope you found it helpful. In case you did, then please do like it. Also, don't forget to subscribe to my channel, and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.